हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन के क्वेश्चन नंबर 131 से 145 तक। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 131 में पूछा है, अकॉर्डिंग टू कैंडीज थ्योरम, इफ थ्री बॉडीज हैव प्लेन मोशन, देयर इंस्टेंटेनियस सेंटर लाइज ऑन। तो कैंडीज थ्योरम क्या होती है पहले तो वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें कंसीडर थ्री प्लेन बॉडी, इसमें तीन प्लेन बॉडीज ली हैं, वो क्या है, पी एक प्लेन बॉडी है, एक क्यू है और एक आर है, ठीक है। तीनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, रिलेटिव मोशन कर रही है। यहाँ पे आर क्या है, हमारी फिक्स्ड बॉडी है, आर को यहाँ पे फिक्स रखा गया है, और पी और क्यू क्या कर रही हैं, रिलेटिव मोशन कर रही है विद रेस्पेक्ट टू आर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आई सेंटर, यहाँ पे ये जो पी आर जो दिख रहा है वो हमारा क्या है, एक आई सेंटर है विद रेस्पेक्ट टू बॉडी पी का आई सेंटर है, किसके रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में। और यहाँ पे जो क्यू आर है वो क्या है, हमारा आर के रेस्पेक्ट में आई सेंटर ऑफ बॉडी क्यू। तो बॉडी क्यू का आई सेंटर क्या हो गया, हमारा क्यू आर हो गया विद रेस्पेक्ट टू आर, एंड बॉडी पी का आई सेंटर क्या हो गया, पी आर विद रेस्पेक्ट टू आर, ठीक है। और यहाँ पे जो पी क्यू है, ये क्यू पी और क्यू दोनों क्या कर रही है, एक दूसरे के रिलेटिव मोशन कर रही है, तो यहाँ पे भी एक आई सेंटर आएगा। इन दोनों का जो कॉमन आई सेंटर है वो क्या है, पी क्यू है, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि ये पी और क्यू भी हमारी क्या कर रही है, एक थर्ड बॉडी के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन कर रही है, तो इसलिए इन दोनों का एक कॉमन आई सेंटर रहेगा पी क्यू, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें अगर ये जो पी क्यू आई सेंटर है, अगर ये बॉडी पी पर है, सपोज़ ये क्या है, बॉडी पी के ऊपर क्या है, हमारा आई सेंटर पॉइंट है, तो इसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होगी वो इस लिंक के परपेंडिकुलर रहेगी, इस पॉइंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, पी पॉइंट की वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो पी पॉइंट की वेलोसिटी क्या आ रही है, ये वी पी आ रही है, ठीक है। अगर ये पॉइंट हमारा क्या है, क्यू बॉडी के ऊपर है, क्यू बॉडी पर पॉइंट है हमारा क्या, ये तो पी क्यू जो पॉइंट है वो हमारा क्यू बॉडी के ऊपर है सपोज, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगी वेलोसिटी, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्यू की वेलोसिटी हो जाएगी, ये क्यू के लिए भी क्यू हो जाएगी। तो ये दोनों एक ही पॉइंट की दो वेलोसिटी क्या हो रही हैं, अलग अलग हो रही हैं, एक इस डायरेक्शन में जा रही है और एक दूसरी इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें एक ही पॉइंट की दो वेलोसिटी नहीं हो सकती, एक आई सेंटर की क्या है, इंस्टेंटेनियस सेंटर को आई सेंटर भी बोलते हैं, तो आई सेंटर की दो वेलोसिटी नहीं हो सकती एक ही पॉइंट पर, तो इसलिए क्या होगा, देयरफोर द आई सेंटर ऑफ बॉडीज पी एंड क्यू कैन नॉट बी एट द एज्यूम्ड पोजिशन पी क्यू। तो इसकी जो एज्यूम की है हमने पोजिशन पी क्यू, उस पोजिशन में नहीं हो सकते हैं पी और क्यू के जो आई सेंटर हैं वो, ठीक है। तो इसलिए द वेलोसिटीज पी वी पी एंड वी क्यू of the eye center will be same only if this eye center lies on the line joining PR and QR। तो ये कब पॉसिबल हो सकता है, ये वेलोसिटी कब सेम, कब होंगी ये दोनों वेलोसिटी सेम, जब ये जो वेलोसिटी पॉइंट है हमारा PQ वो किस पे हो, ये जो लाइन ज्वाइन हो रही है PR और QR को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस लाइन के ऊपर अगर ये पॉइंट हो, अगर ये PQ हमारा कहाँ पे, इस पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट पे दोनों की वेलोसिटी क्या रहेगी, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इसके परपेंडिकुलर वी पी और वी क्यू दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगी वेलोसिटी, ठीक है, सेम हो जाएंगी। तो ये हमारी क्या होगी, जब तीनों हमारा क्या हो, आई सेंटर एक ही लाइन पे हो, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे हो, तब तीनों बॉडीज क्या होंगी, हमारी रिलेटिव मोशन में रहेंगी। तो इन वर्ड्स, इफ थ्री प्लेन बॉडीज हैव रिलेटिव मोशन अमॉन्ग देम सेल्फ, देयर आई सेंटर मस्ट लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज नॉन एज कैनेडीज थ्योरम। तो यह हमारी क्या रहती है, कैनेडीज थ्योरम होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 132। इन अ रिजिड लिंक ओ ए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओ विल बी। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं कि वेलोसिटी किस तरीके से रहती है। तो यहाँ पे हमारी क्या है, एक लिंक है ए बी, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी तो जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके डायरेक्शन में हमारी क्या हो जाएगी, ये वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। बी बी ए इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी। अगर ये लिंक हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है तो ये हमारी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी, बी बी ए इस तरीके से। मतलब ये जो लिंक है, लिंक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारी क्या रहती है, वेलोसिटी रहती है। द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए विल बी इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू लिंक ए बी, लिंक ए बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारी हमेशा क्या रहती है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहती है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, रिजिड लिंक ओ ए है,
तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू ओ ए। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है टू सिस्टम्स शैल बी डायनेमिकली इक्विवेलेंट। तो ये डायनेमिकली इक्विवेलेंट सिस्टम के बारे में हम लास्ट लेक्चर में ही देख चुके हैं फ्रेंड्स, अगर जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर को नहीं देखा है तो वो लास्ट लेक्चर को जरूर देख लें, ठीक है फ्रेंड्स, तो जिससे आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और इससे पहले वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। डायनेमिकली इक्विवेलेंट सिस्टम में अपन क्या करते हैं, जो टोटल मास रहता है उसको अपन क्या करते हैं, दो मासेज के रूप में अलग कर देते हैं इस तरीके से। ये हमारी कोई बॉडी है, मैन बॉडी, उसको दो मास के रूप में अलग कर देते हैं। तो इसका मास m1 है, इसका m1 हो जाता है, इसका m2, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करता है, कॉन्साइड करता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इनका मूवमेंट ऑफ इनर्सिया भी हमारा क्या रहता है, सेम रहता है। तो इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों का कॉन्साइड करता है और मास ऑफ टू आर सेम, दोनों का मास क्या रहता है, सेम रहता है। मूवमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ टू अबाउट एन एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल, मूवमेंट ऑफ इनर्सिया भी क्या रहता है, सेम रहता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, इसमें पूछा है ए लिंक इज रोटेटिंग अबाउट ओ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी ऑन लिंक विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट क्यू ऑन लिंक विल बी परपेंडिकुलर टू। तो ये लिंक किस लिंक के परपेंडिकुलर होगा, वेलोसिटी के बारे में अपन देख चुके हैं फ्रेंड्स अभी। अगर पी की वेलोसिटी निकाल रहे हैं अपन किसके रेस्पेक्ट में, क्यू के रेस्पेक्ट में, तो वो किसके परपेंडिकुलर होगा, पी क्यू के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 135, द वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट इन मैकेनिज्म रिलेटिव टू एनी अदर पॉइंट ऑन द मैकेनिज्म ऑन वेलोसिटी पॉलीगन इज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन। किसी पॉइंट की वेलोसिटी किसी मैकेनिज्म में रिलेटिव टू एनी अदर पॉइंट, किसी दूसरे पॉइंट के रिलेटिव उसी मैकेनिज्म में, तो वेलोसिटी पॉलीगन में वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है, किस लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो देख लेते हैं, ये इस तरीके से यहाँ पे हमने फॉरवर्ड मैकेनिज्म लिया है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड मैकेनिज्म इसको अगर एंगुलर वेलोसिटी देते हैं अपन, और ये हमारी लिंक है, फोर लिंक है, तो इसमें ये हमारा ओ और सी क्या है, फिक्स्ड है, तो ये अपन ने एक पॉइंट ले लिया फिक्स्ड है। ए की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में हमारी ये वेलोसिटी हो जाएगी, और बी की भी वेलोसिटी क्या होगी हमारी, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में हो जाएगी, कहाँ से, सी से, तो सी से ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और ओ से ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स को जहाँ पे लाइन ज्वाइन कर रही है, ओ ए ये वाली जो लाइन ज्वाइन कर रही है हम दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को, तो वो हमारी क्या कहलाती है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू ए, अगर पॉइंट बी की वेलोसिटी देखेंगे विद रेस्पेक्ट टू ए तो क्या रहेगी, जीरो रहेगी, लेकिन अगर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद पॉइंट बी की जो वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, ए के बराबर रहेगी। पॉइंट बी की वेलोसिटी किसके बराबर रहेगी, पॉइंट ए की वेलोसिटी के बराबर रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये जो लाइन है दोनों को ज्वाइन कर रही, दोनों पॉइंट्स को, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को, तो इसलिए लाइन ज्वाइनिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द एब्सोल्यूट एक्सलरेशन ऑफ एनी पॉइंट पी इन अ लिंक अबाउट सेंटर ऑफ रोटेशन ओ इज। एब्सोल्यूट एक्सलरेशन के बारे में पूछा गया है फ्रेंड्स, तो एब्सोल्यूट एक्सलरेशन कैसे निकालते हैं अपन देखते हैं। एब्सोल्यूट एक्सलरेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए लिंक, तो ये हमारी एक लिंक ली है ओ बी, ये तभी निकाल पाएंगे जब हमारा किसी पॉइंट का जो है हमें एब्सोल्यूट एक्सलरेशन दिया रहेगा। तो सपोज यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट एक्सलरेशन दिया गया है ए का, ठीक है, तो ये हमारी ए लिंक है, ए बी लिंक है, ए पॉइंट का हमें एब्सोल्यूट एक्सलरेशन दिया गया है, ये है हमारा ए ए, ठीक है, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दी गई है और ये अल्फा है, एंगुलर एक्सलरेशन हो गया। तो इस लिंक पर किसी भी पॉइंट पर हम क्या निकाल सकते हैं, इसके अबाउट एब्सोल्यूट एक्सलरेशन निकाल सकते हैं। तो पॉइंट बी ही अपन लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, ए का एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन दिया गया है, तो किसी अदर पॉइंट के अबाउट, किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, फिक्स्ड पॉइंट हमने ले लिया ओ, ठीक है फ्रेंड्स, ओ ले लिया, ओ के अबाउट ये हमें पोजीशन मिल गई, इसके पैरेलल लाइन खींचे, तो ये क्या हो गया हमारा, पॉइंट ए आ गया, ठीक है। तो ये हमारा एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ए ए है और पॉइंट ए आ गया हमारा, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये हम इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे पॉइंट ए से, ये वाली जो लिंक है हमारे, इसके पैरेलल लाइन खींची ये, तो ये हमारी पैरेलल लाइन खींच दी,
तो ये हमें कौन सा पॉइंट मिल गया, बी डैश पॉइंट मिल गया, और ये हमारा क्या कहलाएगा, रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन रहता है उसका रेडियल कंपोनेंट हो जाएगा ये, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपन लाइन खींचेंगे तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, पॉइंट बी मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और पॉइंट बी जो ये वाला जो होगा एक्सेलरेशन, वो हमारा क्या कहलाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहलाएगा, ठीक है। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा और ये रेडियल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ से अगर इन दोनों पॉइंट्स को अगर मिलाएंगे अपन, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, टोटल एक्सेलरेशन कहलाएगा, किसका, पॉइंट बी का विद रेस्पेक्ट टू ए। बी ए है, ए बी ए दिया है, तो पॉइंट बी का विद रेस्पेक्ट टू ए ये हमारा क्या है, टोटल एक्सेलरेशन है। अगर हम इस पॉइंट बी को पॉइंट ए ओ से मिला दें, इस पॉइंट बी को पॉइंट ओ से मिला दें, तो ये हमारा एरिया दिख रहा है ये आपको, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, दोनों के एडिशन के बराबर होगा, ये वाली जो वैल्यू है ये हमारा क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू ओ। तो किसी पॉइंट के अबाउट क्या हमारा एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ये आ जाएगा, ठीक है। अगर इस पॉइंट का एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, तो ये हमारा ये पॉइंट का एक्सेलरेशन ये आ गया विद रेस्पेक्ट टू ओ, तो ये किसके बराबर होगा, एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए, और ये टोटल एक्सेलरेशन के बराबर। तो ये हो गया एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस में टोटल एक्सेलरेशन ऑफ बी बी ए। इसको अपन तोड़ सकते हैं टेंजेंशियल और रेडियल में, तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस अब देखते हैं क्वेश्चन में, एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ एनी पॉइंट पी इन अ लिंक अबाउट सेंटर ऑफ रोटेशन ओ अलोंग ओ पी, कैसे होगा, ये हमारा पी पॉइंट लिया था, पी पॉइंट हमारा क्या था, ये है बी, यहाँ पे पी पॉइंट लिया है, उसमें पी पॉइंट दिया गया है, और यहाँ पे अपन बी पॉइंट ले रहे हैं, तो ये ओ बी लाइन को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये होगा कहाँ, जो एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी क्या है, ये वाला है, तो ये किसके अलोंग है, अलोंग ओ बी है, तो ओ बी की जगह बी की जगह पॉइंट पी है, तो इसलिए अलोंग ओ पी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 137, इसमें पूछा है एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए लिंक कैन बी डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है वो देख लेते हैं पहले। ये हमारी लिंक है ए बी, ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ये है ए बी की एंगुलर वेलोसिटी। तो ये लिंक होती है, लिंक के अलोंग जो रहता है एक्सेलरेशन, वो हमारा क्या कहलाता है, रेडियल एक्सेलरेशन होता है। और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लिंक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और अपोजिट टू वेलोसिटी, अपोजिट टू वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में और परपेंडिकुलर टू द लिंक, वो क्या कहलाता है, हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पर ये दो एक्सेलरेशन रहते हैं हमारे, इसके एक रेडियल एक्सेलरेशन हो गया और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया। तो जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है वो किसके कारण होता है, बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है, जैसे अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो इसके कारण जो एक्सेलरेशन आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, रेडियल एक्सेलरेशन। तो वो क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक है। वी क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, अपॉन में रेडियस है। ये किसके लिए होता है, नॉन फॉर ऑल लिंक, सभी लिंक के लिए हमें रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू पता होता है। और ये क्या है हमारा, एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो किसके कारण होता है, बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी वैल्यू होती है हमारी रेडियस, ये आर होती है रेडियस इंटू एंगुलर, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, अल्फा क्या है हमारा, एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो बी ए क्या है, बी ए ये रेडियस होगी, इसकी लेंथ होगी, तो बी ए इंटू में अल्फा ऑफ बी ए, तो ये परपेंडिकुलर टू रेडियल एक्सेलरेशन होता है, रेडियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। ओनली नॉन फॉर इनपुट लिंक, जो इनपुट लिंक है उसी के बारे में हमें इसकी वैल्यू पता रहती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर एंगुलर एक्सेलरेशन को इस तरीके से, ये यहाँ पे क्या है हमारा, ये अल्फा क्या है हमारा, एंगुलर एक्सेलरेशन है, और ये आर क्या है, रेडियस है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई रेडियस, इससे डिवाइड करेंगे, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन विद लेंथ ऑफ द लिंक, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट से मैं अपन किससे डिवाइड कर रहे हैं, लेंथ से डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या निकलेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन एग्जिस्ट व्हेन एवर ए पॉइंट मूव्स अलोंग ए पाथ दैट हैज रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन करता है, तब हमारा क्या रहता है, कोरियोलिस कंपोनेंट जनरेट होता है, कैसे,
दिस एक्सेलरेशन इज एसोसिएटेड विद द स्लाइडर व्हेन द स्लाइडर इज स्लाइडिंग ऑन द रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन क्या होता है, टू वी इंटू में ओमेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से अगर ये हमारा इसके ऊपर स्लाइडर है, ये स्लाइडर लगा हुआ है और ये लिंक हमारी क्या कर रही है, ओमेगा से एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, यहाँ पे मूव करेगी ये, तो इसके कारण क्या होगा, हमारा स्लाइडर भी मूव कर रहा है ऊपर की ओर, स्लाइडर मूव कर रहा है और ये जो लिंक है वो भी हमारी मूव कर रही है। इन दोनों के इफेक्ट के कारण जो एक थर्ड एक्सेलरेशन कंपोनेंट आता है उसको हम कहते हैं कोरियोलिस कंपोनेंट। ठीक है, कोरियोलिस एक्सेलरेशन कंपोनेंट, तो वो हमारा किसके बराबर रहता है, टू भी ओमेगा के बराबर। तो इसमें स्लाइडर स्लाइड करता है और रोटेटिंग लिंक होती है उसके अंदर, तो इसमें क्या होता है, रोटेशनल मोशन, पाथ दैट हैज रोटेशनल मोशन। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन, कोरियोलिस कंपोनेंट की डायरेक्शन कहाँ पे होती है उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी थी भी क्या थी, स्लाइडिंग वेलोसिटी थी ऑफ स्लाइडर, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑन विच स्लाइडर इज स्लाइडिंग। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, ये स्लाइडर हमारा ऊपर की ओर मूव कर रहा है, ओनली स्लाइडर मूव कर रहा है, लिंक क्या है स्टेशनरी है, ओनली स्लाइडर मूव कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ओनली स्लाइडिंग इफेक्ट है, ओमेगा क्या है यहाँ पे जीरो है। अगर इसमें स्लाइडर मूव नहीं कर रहा है, ओनली लिंक क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो लिंक हमारी क्या कर रही है, साइड डायरेक्शन मूव कर रही है, तो स्लाइडर भी हमारा यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ओनली रोटेटिंग इफेक्ट रहेगा। इस थर्ड केस में देखिए, थर्ड में क्या है, हमारा लिंक को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी दी है और जो स्लाइडर है, स्लाइडर हमारा भी वेलोसिटी से ऊपर की ओर मूव कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से ये आएगा और यहाँ से ये जो इफेक्ट दिख रहा है, ये वाला जो इफेक्ट है, यहाँ पे स्लाइडर हमारा यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये जो इफेक्ट कहलाएगा वो हमारा क्या है, ग्रुप कॉम्बिनेशन इफेक्ट है। दोनों के कारण, किसके कारण, स्लाइडर की वेलोसिटी के कारण और एंगुलर वेलोसिटी के कारण। तो इस इफेक्ट के कारण हमारा जो क्या है, जो कंपोनेंट आता है वो हमारा क्या कहलाता है, कोरियोलिस कंपोनेंट कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोरियोलिस कंपोनेंट इज पॉजिटिव, जो कोरियोलिस कंपोनेंट होता है वो पॉजिटिव कब होता है, इफ लिंक ए आर रोटेट्स क्लॉकवाइज एंड स्लाइडर मूव्स रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। अगर लिंक जो है रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पर देखें, लिंक हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है और स्लाइडर क्या कर रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, स्लाइडर मूव्स रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंड लिंक रोटेट्स काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, एंड स्लाइडर मूव्स रेडियली इनवर्ड, और स्लाइडर क्या आ रहा है हमारा, नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस समय हमारा क्या रहेगा, कोरियोलिस कंपोनेंट पॉजिटिव रहेगा, और उसके अलावा कोई दूसरी कंडीशन है तो हमारा कोरियोलिस कंपोनेंट जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब डायरेक्शन जो होती है, द डायरेक्शन ऑफ कोरियोलिस कंपोनेंट इज ऑब्टेंड बाय रोटेटिंग द रेडियल वेलोसिटी वेक्टर वी थ्रू 90 डिग्री। अगर रेडियल वेलोसिटी वेक्टर जो है भी, उसको 90 डिग्री से अपन क्या करें, घुमा दें इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द लिंक, तो वो हमारा कोरियोलिस कंपोनेंट की डायरेक्शन को बता दें। जैसे यहाँ पर देखें, अपन स्लाइडर हमारा क्या कर रहा है, ऊपर की ओर मूव कर रहा है और एंगुलर वेलोसिटी हमारी इस डायरेक्शन में, तो इसको 90 डिग्री से अगर घुमाएंगे अपन, यहाँ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसको इस डायरेक्शन में, जैसे ये स्लाइडर हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में हमें क्या करना है, इसको स्लाइडर को 90 डिग्री से कर देना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से लेते हैं हम डायरेक्शन ऑफ कोरियोलिस कंपोनेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से इसका 90 डिग्री से अपन क्या कर देते हैं, आगे कर देते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर फॉर द टू कॉन्साइड पॉइंट्स रोटेट्स बाई रोटेटेड बाई 90 डिग्री इन द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ द लिंक। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सेपर मैकेनिज्म द कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन विल। तो सेपर मैकेनिज्म में जो कोरियोलिस कंपोनेंट होता है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, उसके बारे में पूछा गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेपर मशीन है, यहाँ पे क्या होता है, ये क्रैंक हमारा रोटेट करता है, तो क्रैंक के रोटेट करने के कारण हमारी जो स्लाइडर है, स्लाइडर इसके ऊपर रोटेट नहीं कर रहा है, स्लाइड नहीं कर रहा है, स्लाइडर क्या कर रहा है, यहाँ पर स्लाइड कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्रैंक हमारा रोटेट कर रहा है, क्रैंक के रोटेट करने के कारण इसको स्लाइडिंग मोशन मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे स्लाइडर एक लिंक के ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा है, यहाँ पर कंडीशन क्या है, हमारा एक लिंक है, ठीक है, इसके ऊपर स्लाइडर क्या कर रहे,
स्लाइड करे और ये लिंक हमारी क्या करे, रोटेट करे, ये हमारी कंडीशन है। तो ये कंडीशन क्या हो रही है, फुलफिल नहीं हो रही है इसमें सेपर मैकेनिज्म में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारी ये जो स्लाइडर है, स्लाइडर इस स्लाइडिंग मोशन करता है और ये हमारी यहाँ पे क्या होता है, क्रैंक रोटेट करता है। क्रैंक रोटेट करने के कारण ये जो रोटेशन है वो यहाँ पे क्या हो रही है, स्लाइडिंग मोशन में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन ये स्लाइडर हमारा इसी के ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें क्या होगा, कोरोलिस कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, यहाँ पे देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है आर इंटू अल्फा, रेडियस इंटू में एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये हमारा रेडियल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें पूछा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो यहाँ पे जो बुक में आंसर दिया गया वो दिया गया वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन में क्रैंक रेडियस, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आंसर किसके लिए, रेडियल एक्सेलरेशन। अगर यहाँ पे रेडियल एक्सेलरेशन पूछा होता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन अभी यहाँ पे क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ई, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, रेडियस रेडियस इंटू में एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, रेडियस इंटू में एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ई। अगर रेडियल एक्सेलरेशन पूछा जाता तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डायरेक्शन इज, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, अपोजिट टू द एंगुलर वेलोसिटी और अलोंग द एंगुलर वेलोसिटी भी हो सकती है। अभी अपन ने देखा यहाँ पे ये हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो क्या है, जो लीनियर वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दी जा रही है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो ये अलोंग द एंगुलर वेलोसिटी भी हो सकता है और किसके हो सकता है, परपेंडिकुलर टू द एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन लीनियर वेलोसिटी के हमेशा ये क्या रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये अगर लीनियर वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी के दोनों हो सकता है, ये अलोंग द एंगुलर वेलोसिटी हो सकता है और अपोजिट टू द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो मे बी एनी वन ऑफ द इस, तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए स्लाइडर मूविंग एट वेलोसिटी वी ऑन ए लिंक रोटेटिंग एट एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो ये हमारा क्या रहता है, एंगुलर कोरियोलिस कंपोनेंट क्या रहता है, टू वी इंटू में ओमेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रोटरी इंजन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर सेंटर लाइन इज 25 रेडियन पर सेकेंड एंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट ऑन द सिलेंडर सेंटर लाइन विद रेस्पेक्ट टू सिलेंडर इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो कोरियोलिस एक्सेलरेशन विल बी, कोरियोलिस एक्सेलरेशन हमारा क्या रहता है फ्रेंड्स, वो रहता है ओमेगा की वैल्यू दी गई है इसमें और भी दी गई है, और एक्सेलरेशन क्या रहता है, टू भी इंटू में ओमेगा, इसकी वैल्यू पुट करें तो ये कितना आ रहा है, 500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है कोरियोलिस कंपोनेंट इज एनकाउंटर्ड इज, जो कोरियोलिस कंपोनेंट होता है वो किस किस में आता है, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म एंड फोर बार चैन मैकेनिज्म या स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो फोर बार चैन मैकेनिज्म में तो कोई स्लाइडर होता नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर बी तो हो नहीं सकता, ऑप्शन ए और सी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा कैसे। तो ये हमारा क्या है, स्लिंगर स्लाइडर क्रैंक चैन मैकेनिज्म है, ठीक है। इसमें हमारा स्लाइडर होता है और ये हमारा स्लाइडर क्या करता है, इस लिंक के ऊपर मूव करता है और ये लिंक हमारी क्या करती है, ओमेगा से रोटेट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो कोरियोलिस कंपोनेंट है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ये हमारा क्या है, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है, यहाँ पे ये हमारा क्रैंक रहता है तो ये हमारा रोटेट करता है, ठीक है। ये इस लिंक के ऊपर हमारा ये स्लाइडर क्या करेगा, मूव करेगा और ये लिंक हमारी क्या करेगी, मूव करेगी, ठीक है। तो ये जब ये लिंक मूव करेगी तो अगर ये कंडीशन हमारी एक्सट्रीम पोजीशन की कंडीशन है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे ओमेगा क्या होता है, जीरो रहता है। अगर एक्सट्रीम पोजीशन के अलावा कोई दूसरी पोजीशन है, ये हमारा यहाँ पे आ जाए या यहाँ इधर हो जाए, तो वहाँ पे क्या होगा, ओमेगा की कुछ वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो ओमेगा की कुछ वैल्यू रहेगी तो इसलिए यहाँ इसमें एक्सट्रीम पोजीशन को के अलावा दूसरी जो पोजीशन रहेंगी वहाँ पर क्या रहेगा, ये एक्सेलरेशन हमारा
कोरियोलिस एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वहाँ पे स्लाइडर की वेलोसिटी भी रहेगी और ओमेगा की वेलोसिटी भी रहेगी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी भी रहेगी और स्लाइडर की वेलोसिटी भी रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे कोरियोलिस कंपोनेंट है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अगर दूसरा क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स आपको कि क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में जो एक्सट्रीम पोजीशन रहती है वहाँ पे कोरियोलिस कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो उसका आंसर क्या होगा, नहीं करता है। लेकिन अगर एक्सट्रीम पोजीशन के अलावा कोई दूसरी पोजीशन पर बात कर रहा है तो वह वहाँ पे हमारा कोरियोलिस कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी बुक में दिया गया है, बुक में ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, लेकिन स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में भी हमारा क्या है, कोरियोलिस कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है फ्रेंड्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके इन वीडियोस का, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।